आज से ठीक एक हफ्ते बाद कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव का मतदान है, 10 दिनों में वहाँ पे नतीजे भी आ जाएंगे। और एक ऐसी हवा बनी हुई थी कि कर्नाटक की भाजपा सरकार के अपार भ्रष्टाचार से थकी हुई जनता इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बना सकती है। लोगों को याद होगा कि कई ऐसे मौके आए जब किसी ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, किसी ने चिट्ठी लिख के ये खबर की चारों तरफ की 40% रिश्वत ली जा रही है सरकार में। बड़ा भ्रष्टाचार का वहाँ पर चर्चा रहा और लोगों को लग रहा था इस बार वहाँ पर कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस पक्का वहाँ पर सरकार बनाएगी। इस बीच में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र में बहुत सारी और बातें भी हैं जिनकी चर्चा हमने की है, भाजपा के घोषणा पत्र की, कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में एक बात और कही गई कि हिंसा आतंक फैलाने वाले संगठन जैसे PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये मुस्लिम लोगों का एक संगठन है, उसके साथ साथ बजरंग दल के बारे में भी कहा गया कि PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि ये कार्रवाई इन पर प्रतिबंध लगाने तक आगे बढ़े। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा और कहा कि हो सकता है कि ये कार्रवाई इन और ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक आगे बढ़े। अब इतना मौका वहाँ पर काफ़ी था। इस एक लाइन को लेकर वहाँ पर BJP ने एक नरेटिव किस तरह से सेट किया, इसको देखने की ज़रूरत है और कांग्रेस को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हर सच बात, अपनी हर सच तैयारी, क्या उसको चुनाव के समय, वोटिंग के एक हफ्ते पहले, उसकी इस तरह से मुनादी, उसका इस तरह से डिस्प्ले किया जाना ज़रूरी है। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार, इस एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कांग्रेस के अलग अलग नेता चुनाव के वक्त पर या किसी भी नाजुक मौके पर किस तरह के ऐसे बयान देते हैं जिससे कि भाजपा को चुनाव में जीतने में मदद मिलती है, इसको देखते हमको बरसों गुजर गए, कई चुनाव ऐसे आए गए, कोई ना कोई कांग्रेस नेता अपने बड़बोलेपन से, अपनी किसी लापरवाह बात से, अपने किसी लापरवाह शब्द से भाजपा को एक चुनावी नरेटिव सेट करने में मददगार साबित होते हैं। उसको लेकर हमने कहा भी था कि ये किस तरह का एक अदृश्य हाथ है जो भाजपा के पीछे रहता है। अब आप देखिए इसको क्या कहेंगे, कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, देश के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने जो जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसमें PFI नाम का जो संगठन है जिसके बहुत सारे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के तहत, राजद्रोह के तहत मामले दर्ज हैं, उस संगठन के साथ में बजरंग दल को जोड़कर कहा गया। बजरंग दल ने देश में जुर्म कम नहीं किए हैं, जगह जगह सांप्रदायिक हत्याओं में, जगह जगह और कई किस्म के जुर्म, बड़े बड़े जुर्म में बजरंग दल के लोगों के नाम आते हैं। ये सड़कों पर सांप्रदायिक हिंसा करते हुए दिखते हैं, तरह तरह के नफरत के फतवे देते हैं। तो ये कांग्रेस ने जब ये घोषणा पत्र में ये कहा तो BJP ने उसको तुरंत लपक लिया। और क्यों ना लपके, BJP कोई संतई करने तो कर्नाटक गई नहीं है, वो चुनाव लड़ रही है वहाँ पर, तो चुनाव में उसका हक है कि कांग्रेस की लापरवाही से कही हुई बातों को बड़ी सावधानी से और बड़ी तैयारी से अपने पक्ष में उसको एक्सप्लाइट करे, दूह ले अपने पक्ष में। तो ये मंगलवार का दिन था, ये मंगलवार के दिन ये घोषणा पत्र की ये खबर आई और मंगलवार के दिन वहाँ के विजयनगर नाम की जगह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी आम सभा थी।
उसके वीडियो आए हैं, अच्छी भीड़ भरी आम सभा थी। नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण को सुनने लोग जाते हैं कि कई चीज़ें उसमें सुनने मिलती हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की शुरुआत जो की, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो सामने आया है और वो उनकी खुद की वेबसाइट पर है, उनके खुद के यूट्यूब चैनल पर है, तो वो वीडियो गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो में कही गई बातों को हम उन्हीं के जुबानी सुन लें। यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब इस वीडियो को देखने सुनने के बाद जो चीजें उभर कर सामने आती हैं वो ये हैं कि चुनाव कोई शराफत का खेल नहीं है, चुनाव एक एक शब्द को तौल कर बोलने का खेल है। जिस मंगलवार को कांग्रेस मैनिफेस्टो की ये खबर आती है, उसी मंगलवार को विजयनगर में नरेंद्र मोदी की आम सभा है। अब इस विजयनगर के बारे में भी दो लाइन में समझना जरूरी है। जिस समय सीता का अपहरण हुआ और राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में निकले, तो ऐसा माना जाता है कि विजयनगर वो जगह थी जहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान से हुई और वानरों से हुई, ये वही जगह मानी जाती है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बार बार जोर देकर इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब वो बजरंग बली को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हैं, जब बजरंग बली की पवित्र भूमि पर यहाँ आए हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी बार बार दोहरा रहे हैं। उनके दोहराने में और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में एक जरा सा फर्क है और उस बारीकी को भी समझने की ज़रूरत है। मोदी ये कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बजरंग बली की जगह पर आया हूँ, उनकी भूमि पर आया हूँ, बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला लिया है कांग्रेस ने। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, आपने सुने हैं अभी अभी। कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा है। कांग्रेस ने बजरंग दल नाम का एक संगठन, जिसके खिलाफ देश भर में दर्जनों जगहों पर सैकड़ों मामले दर्ज हैं, उस संगठन के बारे में कहा है। उस संगठन को एक दूसरे मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन के साथ जोड़कर कहा है कि इनके ऊपर गंभीर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि ये कार्रवाई इन पर प्रतिबंध तक भी पहुंचे, इतना कहा है। कांग्रेस ने बजरंग बली के बारे में कुछ नहीं कहा है, बजरंग दल के बारे में कहा है। लेकिन मोदी ने बहुत ही चतुराई से अपने इस खुले भाषण में, जिसके वीडियो उन्हीं के YouTube चैनल पर हैं, वहीं से लेकर हम सुना रहे हैं, उन्होंने बहुत ही चतुराई से इसको बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कह दी, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेसी हैं जिनको पहले भगवान राम से तकलीफ होती थी और इन्होंने राम को ताले में बंद रखा था। जबकि ताज़ा इतिहास ये कहता है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
उस वक्त रामलला को उन्होंने तालों से बाहर निकलवाया था, और बाद में उनके ऊपर ये तोहमत भी आई कि अगर राजीव गांधी ने वैसा नहीं किया होता तो बाबरी मस्जिद गिरने तक की नौबत नहीं आई रहती। तो एक तो राजीव गांधी वो तोहमत झेल रहे हैं कि उन्होंने रामलला को तालों से मुक्त करवाया, नरेंद्र मोदी उस बात को अनदेखा करके ये याद दिला रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस ने ताले में बंद किया था। अब वो बजरंग बली का नाम लेने वालों को भी ताले में बंद करने की बात कह रही है कांग्रेस, ऐसा मोदी ने कहा। इस दूसरे वाक्य को भी समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा है कि जो बजरंग बली कहेंगे उसको ताले में बंद किया जाएगा। ये मोदी ने उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपनी खुद की ये व्याख्या रखी है सामने। कांग्रेस ने ये कहा है कि बजरंग दल जैसे संगठन जो हैं इनकी सांप्रदायिकता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेने वालों को भी बंद करने की बात कांग्रेस ने कही है। बजरंग बली का नाम तो बहुत से शरीफ लोग लेते हैं, करोड़ों दसियों करोड़ शरीफ लोग बजरंग बली का नाम लेते हैं, वो कोई जुर्म नहीं करते हैं, तो उनको भला कोई कौन बंद कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी देवता के नाम पर, किसी ईश्वर के नाम पर, देवी के नाम पर अगर कोई संगठन खड़ा कर लिया जाता है और वो संगठन जुर्म और हिंसा करे, बहुत बड़ी संख्या में करे, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या उस देवी देवता के ऊपर कार्रवाई गिनाएगी? महाराष्ट्र में शिवसेना है, शिवसेना कई हिंसक घटनाओं में शामिल रही, उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग सरकारों के चलते हुए, तो क्या वो शिव पर कार्रवाई हो गई? क्या शिव को गिरफ्तार कर लिया गया? इसी कर्नाटक के बेंगलोर में श्री राम सेना नाम से, आप लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले लड़कियों को पब से निकाल निकाल कर सड़क पर मारा गया था। तो श्री राम सेना पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या वो भगवान राम पर कार्रवाई होती है? अगर उसकी हिंसा के ऊपर कोई नेता या अफसर ये कहे कि श्री राम सेना की हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई होगी तो क्या वो श्री राम पर कार्रवाई हो गई? ये चुनाव में ये चतुराई, इसको कोई नरेंद्र मोदी से सीखे कि अभी सुबह जो बातें आई हैं खबरों में, सुबह जो कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, उसको दोपहर तक किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक बड़ी मिसाल मोदी ने पेश की है। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो लिखित है, उसको भी देखा जा सकता है, उसकी खबरें भी हैं, उसका वीडियो भी है, और मोदी के भाषण का भी वीडियो है। मोदी की खूबी यही है कि आप उनके ऊपर जितने पत्थर फेंको, एक तो उन पत्थरों से सीढ़ी बना के वो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। आपने उनके बारे में जब कभी लापरवाही से कोई बयान दिया, और खड़गे जी ने, जिन्होंने अभी ये जारी किया है घोषणा पत्र, इन्होंने ही अभी जहरीला सांप कह दिया था मोदी को, मोदी ने उसको तुरंत अगले ही दिन इस्तेमाल कर लिया चुनाव प्रचार में, और कहा कि कांग्रेस ने मुझको, कांग्रेस के नेताओं ने मुझको अभी तक 91 गालियाँ दी है। अब ये 91 जब तक लोग गिन पाएंगे, 91 है कि 82 है कि 52 है, तब तक कर्नाटक का चुनाव निकल जाएगा। इस बात को हम पहले भी बोलते और लिखते आए हैं कि मोदी के बारे में अगर कुछ कहना है तो सावधानी से कहना चाहिए, और वैसे तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको हमेशा ही सावधानी से कहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मौके हैं, आप देखेंगे पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही, उसको लेके असम पुलिस ने उनके खिलाफ एक जुर्म दर्ज किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पिता के नाम का जिक्र करते हुए शायद लड़खड़ाकर या शायद सोचकर, और चूंकि चर्चा चल रही थी अदानी की, गौतम अदानी की, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के पिता के नाम की जगह गौतम नाम जोड़कर उनका नाम लिया। इसके ऊपर असम पुलिस ने जुर्म दर्ज किया पवन खेड़ा के खिलाफ, पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके जमानत करवानी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। तो नरेंद्र मोदी से पंगा लेना आसान नहीं है,
और खासकर लापरवाही का पंगा तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ही क्यों, सार्वजनिक जीवन में किसी भी संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में, नेता के बारे में कहते हुए सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी सभी मोदी लोगों के बारे में या सभी चोर लोगों के बारे में कर्नाटक में ही कुछ कहते हुए आज सजा पा चुके हैं, उसके खिलाफ अपील में गए हुए हैं, लोकसभा की सदस्यता खो बैठे हैं। 2022 और 2021 ये दो ऐसे साल थे जब दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था, 2022 का अभी मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने एक सवाल किया था ट्विटर पर और लिखित था तो कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को घर में रहने कह रहे हैं और हिंदुस्तान में आरएसएस के मोहन भागवत महिलाओं को घर में रहने कह रहे हैं, क्या इन दोनों के विचारों में कोई समानता है? ऐसा उन्होंने सवाल किया था, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा था, साफ साफ था। अब दिग्विजय सिंह के उस तीन लाइन के ट्वीट को उनके खिलाफ इस कदर इस्तेमाल किया गया पूरे देश में कि दिग्विजय ने आरएसएस और तालिबान की तुलना की। दिग्विजय ने तुलना की थी, ये दोनों जिस तरह से महिलाओं के घर में रहने की वकालत कर रहे हैं उसकी तुलना की थी। और अगर मान लीजिए उन्होंने दोनों संगठनों की भी तुलना की थी तो उनका लोकतांत्रिक हक है तुलना करना, लेकिन वो बड़ा भारी पड़ा, कांग्रेस के ऊपर भारी इस नाते पड़ा कि आज देश में एक नरम हिंदुत्व का माहौल है, कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता नरम हिंदुत्व पर चल रहे हैं। और वैसे में अगर दिग्विजय जैसे लोग बिना समझौता किए हुए नफरती हिंदुत्व को लेकर साफ साफ खरी खरी बात करते हैं तो वो बात कांग्रेस के खिलाफ गई, वो बात बहुत सारे हिंदू लोगों को लगा, अरे आरएसएस को तो हम देखते हैं, ये लोग तो सवेरे शाखा लगाते हैं मैदान में, और वो तालिबान तो रात दिन हत्याएं कर रहे हैं, इन दोनों की भला कैसी तुलना थी, ये तुलना लोगों को नाजायज लगी। ठीक वैसे ही कर्नाटक में ये तुलना लोगों को थोड़ी सी नाजायज लगी, काफ़ी लोगों को नाजायज लगी कि पीएफआई जैसा एक संगठन जो बहुत सारे देशद्रोह की, राजद्रोह की, कई तरह की मामलों में, जुर्म में फंसा हुआ है, उसकी तुलना बजरंग दल से की गई। मेरे हिसाब से उसमें बहुत गलत नहीं है, अगर किसी ने तुलना की है तो लोगों को दोनों के जुर्म सामने रख कर देखना चाहिए, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा, चुनाव तो वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लोगों का ऐसा अंदाज है कि कर्नाटक के हिंदू वोटरों के ऊपर, जो कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से थके हुए थे, इस एक लाइन का बड़ा बुरा असर पड़ा है। मैं भी जीत और हार की कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मैं तो वहाँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन लोगों का कहना है जो कांग्रेस के लिए केक वॉक लग रहा था, कांग्रेस के लिए एकदम जैसे क्रिकेट में रहता है कि 6 रन बनाने हैं और 6 ओवर बाकी हैं, इस किस्म की कांग्रेस की नौबत दिख रही थी कर्नाटक में, वहाँ उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। और मैं कल से लेके अभी तक के मोदी के बयान, उनके पब्लिक मीटिंग के भाषण को देख रहा हूँ तो जिस बारीकी से मैं मोदी के शब्दों को पकड़ रहा हूँ, ऐसे कर्नाटक में मुझको कांग्रेस के कोई नेता मोदी के शब्द पकड़ते भी नहीं दिख रहे। तो आप अपनी बात कहते हुए लापरवाह रहते हैं, विरोधी की बात को पकड़ने में आप और अधिक लापरवाह हैं, तो ये सिलसिला कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहा है। कुल मिलाकर आज मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत जैसी चुनावी राजनीति में अगर आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे चतुर और चौकन्ने नेता से है तो आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लापरवाही का आनंद नहीं ले सकते। मोदी इतने चौकन्ने नेता हैं कि आपकी कही हुई बात के एक एक शब्द को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपने नहीं कहा है, जो आपके शब्द नहीं हैं, उनको भी आपके मुंह में डालकर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो चुनावी राजनीति है, इस चुनाव आयोग को अगर ध्यान रहता तो वो इस बात का नोटिस भी ले सकता था
लेकिन चुनाव आयोग से भी लोगों को खुद होकर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। फिलहाल मैं चलते चलते एक आखिरी मिसाल आपको दे रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे शायद कर्नाटक में नेता हैं या वहां राजनीति करते हैं, मैंने पहली बार उनका नाम अभी सुना। उन्होंने भी अभी एक वीडियो में ये कहा कि मोदी बंजारा समुदाय का नालायक बेटा है। अब आप मोदी को नालायक कहकर मोदी और भाजपा की प्रतिक्रिया से बच नहीं सकते। तो ये कदम कदम पर कांग्रेस के लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। जो पत्थर वो मोदी पे फेंक रहे हैं उनसे सीढ़ी बनाकर मोदी लगातार ऊपर जा रहे हैं और देश में एक ऐसा नरेटिव सेट हो रहा है, देश में एक ऐसा आख्यान चल निकला है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है। इससे कांग्रेस कैसे बचे, अपने नरम हिंदुत्व से बचे या दिग्विजय किस्म के एक ईमानदार और कड़े स्टैंड से बचे, ये सोचने की बात है। मेरे पास कोई इसका सीधा सीधा आसान हल नहीं है, मैं कांग्रेस का सलाहकार भी नहीं हूँ। कांग्रेस के पास बड़े दिग्गज सलाहकार देश में मौजूद हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मोदी के साथ चूहलबाजी करके, मोदी के साथ छेड़खानी करके, मोदी के खिलाफ ओछापन दिखाकर आप बच नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी कोई फीस नहीं है। अगली बार मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिए।